ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ला इलाहा इल्लल्लाह। कि बेटा एक ही बेटा है, और मुझे याद है वो रमजान था जब कहने लगे कि हमसे 18 लाख मांगते हैं, शायद इतने पैसे थे, वल्लाहु आलम, अगर मेरा हाफजा टीम काम कर रहा। किस चीज के? कहा बेटे के कत्ल करने के। मैंने कुछ लोगों से राबता किया, वो कहते हैं तेरे बेटे को कत्ल कर देंगे लेकिन 18 लाख लेंगे, पैसे ज्यादा हैं। मैंने कहा थोड़े पैसे कर ले। अल्लाह, बेटा मेरा मर जाए। एक दरवेश थे, उनके पास एक बाबा जी आए, कहने लगा बाबा जी आपके पास बहुत साल आए होंगे, मेरी औलाद नहीं होती थी, आज 18-20 साल के बाद फिर आया हूं, आपकी दुआओं से अल्लाह ने बेटा दिया था, दुआ करें अल्लाह बेटा वापस ले ले। बेटे ने मुझे जलील कर दिया, बेटे ने मुझे रुसवा कर दिया, बेटा मेरी आंखों की ठंडक ना बना, बेटा मेरी दिल की राहत ना बना, बेटा मेरी खुशियों का सामान ना बना। बाबा जी दुआ करें अल्लाह मेरा बेटा मुझसे वापस ले ले। माएं, औलाद, जिंदगियां, नस्लें आंखों की ठंडक बन जाएं, नस्लें आंखों की ठंडक बन जाएं, नस्लें आंखों की ठंडक बन जाए। एक अमल कर लें अगर कहें तो, जिनकी औलाद है उनके लिए, जिनकी नहीं उनके लिए, जिनकी होगी उनके लिए, और जिनकी है फरमा बरदार है, पूरी उम्मत की नियत करके, सारे आलम की नियत करके, सारी इंसानियत की नियत करके, अगर आप ये पढ़ लें अल्लाह पहले आपको देगा। हदीस में आता है, सुने गौर से, फरमाए जो किसी के लिए दुआ करता है अल्लाह उसको दे दे, अल्लाह उसको दे दे, अल्लाह उसको दे दे, फरमाए दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा होता है, उस दाएं कंधे पे वो जोर से कहते अल्लाह पहले इसको दे। हाँ, क्योंकि अल्लाह खाता है या खिलाता है? अल्लाह खाता नहीं खिलाता है, अल्लाह पहनता नहीं पहनाता है, अल्लाह पीता नहीं पिलाता है, अल्लाह सोता नहीं। जो दूसरों का फिक्र करता है वो अल्लाह तो नहीं बनता, पर उसको अल्लाह अता बेबहा करता है। तो इस वजीफे में दो लफ्ज हैं, सिर्फ दो लफ्ज हैं, या वलियो या रकीबो, या वलियो या रकीबो, ये दो लफ्ज हैं। क्या है? दो लफ्ज। सुने, पहले जज्बा सुने, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमने बंदूक को पहले पूरा फुल करना है और बंदूक में भरना है कुछ, या बगैर बंदूक के भरे, बंदूक में भरना है यकीन, एतमाद, जज्बा, अल्लाह की बारगाह से कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत, पहले ये भरना है, भर के फिर अल्लाह का नाम लेना है। अब क्या करना है? हमने दो लफ्ज पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है? हाँ, वलियो, ए दोस्तों का दोस्त, और रकीब कहते हैं मुहाफिजों का मुहाफिज। अल्लाह औलाद मेरी दोस्त है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, अल्लाह मेरे बहन भाई, और इसमें बहन भाइयों के लिए भी है, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मेरे करीबी, मेरे रिश्तेदार, ये मेरे दोस्त हैं, अल्लाह इन दोस्तों की तो गैब से हिफाजत कर। किस चीज की हिफाजत कर? मुझसे टूट ना जाएं, मुझसे जुदा ना हो जाएं, अल्लाह इन पे कोई अजाब ना आए, अल्लाह इन पे कोई बला ना आए, अल्लाह इन पे कोई मुसीबत ना आए, अल्लाह किसी जिन का वार ना हो, या अल्लाह किसी जादू का वार ना हो, या अल्लाह किसी दुश्मन का वार ना हो, अल्लाह किसी हासिद के हसद का वार ना हो, अल्लाह कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, कोई बला, कोई वबा, कोई आफत, अल्लाह ना हो। क्यों? तेरा नाम रकीब है। रकीब कहते हैं मुहाफिज को, हिफाजत करके दिखाने वाले को, रकीब कहते हैं निगहदाश्त करने वाले को, रकीब कहते हैं छांव देने वाले को। अल्लाह मेरे तू वली भी है, दोस्त भी है, और मेरे जितने दोस्त हैं अल्लाह उन सब के लिए हिफाजत का कोई अनोखा सामान कर दे, वो मेरी जिंदगी में आंखों की ठंडक बने रहे।